आज के हमारी इस ऑनलाइन क्लास में रजनीकांत जी के साथ हम डिस्कस करेंगे पिवट टेबल सॉरी यूजर फॉर्म, वीवीएम माइक्रो प्रोग्रामिंग की यूजर फॉर्म का टॉपिक आज हम आपके साथ करने जा रहे हैं। इससे पहले की क्लासेस में हमने यूजर फॉर्म के बारे में पढ़ा था और यूजर फॉर्म के बारे में हमने आपको बताया था कि किस तरीके से यूजर फॉर्म में हम लिस्ट बॉक्स को, कॉम्बो बॉक्स को, चेक बॉक्स को, ऑप्शन बटन को, टेक्स्ट बॉक्स को, बटन को हम यूज करते हैं, राइट सर? यस सर। आज आपके सामने हम लिस्ट बॉक्स इसमें कुछ और नई चीज करने जा रहे हैं, ठीक है? तो जब हम यूजर फॉर्म को इंसर्ट करते हैं तो यूजर फॉर्म को इंसर्ट करने के साथ हमारे पास टूल्स में एक आता है आपका टुल्लक बटन। अरे सर, नया वाले वर्जन में यूजर फॉर्म के पास में एक और नया चीज आ गया है सर। कौन सा? यहाँ पे सर, इंसर्ट पे क्लिक करिए सर। हाँ, इंसर्ट पे सर। हाँ, प्रोसीजर। हाँ सर, ये प्रोसीजर क्या चीज है? प्रोसीजर जो आप मैक्रो बनाते उसको प्रोसीजर कहा जाता है। मॉड्यूल फिर क्या चीज है सर? प्रोसीजर बताता हूँ। मॉड्यूल तो आपने मॉड्यूल इंसर्ट किया, अब मॉड्यूल के अंदर में आपने प्रोसीजर तैयार करना है। तो हमने डाल दिया यहाँ पे, मान लीजिए कि हमने डाल दिया एम 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 ट्रिपल एम, चाहे हम कर देते हैं टेस्ट। सब है, फंक्शन है, प्रॉपर्टी है, सब है, पब्लिक है, प्राइवेट है, पब्लिक है, और ओके कीजिए, टेस्ट बन जाएगा आपका मैक्रो। समझ में आया कुछ? नहीं आया सर। जैसे आपको मैक्रो डिफाइन करना होता है तो आप क्या करते हैं? सब लिखते हैं, मैक्रो डिफाइन करते हैं, फंक्शन देना तो फंक्शन लिखते हैं, फंक्शन डिफाइन करते हैं ना। हाँ हाँ तो ए डिफाइन, यहाँ से डिफाइन प्रोसीजर जो है, डिफाइन करने का प्रोसीजर, आपको फॉर्मूला बनाना है, ठीक है ना? तो हमने यहाँ पे लिख दिया, मान लीजिए मुझे वी एल नाम का फॉर्मूला बनाना है, वी एल लिख दिया, क्या है, फंक्शन है, एंड यहाँ पे ओके कर दिया हमने। यहाँ पे वी एल नाम का फंक्शन डिफाइन हो गया। तो माइक्रो एंड फंक्शन डिफाइन करने का यूज है वो, समझे? सर, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर, हेलो, आ रही है सर आपकी आवाज। हेलो हेलो सर, आवाज सुन पा रहा हूं मैं? तो यूजर फॉर्म में हम आगे आज बढ़ रहे हैं किसके ऊपर, जो टॉलक बटन होता है ना, टॉगल बटन। इस टॉगल बटन के बारे में बताएंगे। जनरली आप लोग कमांड बटन यूज करते हैं, मतलब कि कोई चीज ओके आप करने करने के लिए आप करते हैं किस पे, जस्ट क्लिक कर दिया, ठीक है, दब के रह जाता है ना। एक हमारे पास इधर से यहाँ पे आपका टॉलक बटन होता है जो कि ऑन ऑफ का काम करता है, ठीक है? जैसे इस पे दबा के छोड़ दिया, छूट गया, इसको दबा के दबा रहेगा फिर हटेगा, जैसे स्विच की तरह, स्विच की तरह, ठीक है ना? तो जैसे कि अब इसमें इसमें अब क्या होता है कि अगर आप यहाँ पे मैं अगर इस पे क्लिक करूं तो यहाँ पे लिख देता हूं कि मी डॉट टुल्लक बटन वन डॉट कैप्शन इक्वल टू मी डॉट टुल्लक बटन वन डॉट वैल्यू, ठीक है? तो यहाँ देखिए क्या होगा कि जैसे हमने इस पे क्लिक किया तो ट्रू, मतलब जो क्लिक है तो ट्रू हुआ, और हट गया तो फॉल्स, ट्रू ओके फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स, समझ गए? यस सर। तो ये होता है। अब बात आती है कि इसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे आप। तो इसके कई सारे इस्तेमाल है जिसमें से एक इस्तेमाल हम आपको बताते हैं। चलिए, उसके लिए मैंने क्या किया कि एक बड़ा सा यूजर फॉर्म बनाया, राइट? और मैंने यहाँ पे विंडो मीडिया प्लेयर, आप राइट क्लिक करके एडिशनल कंट्रोल पे क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको बहुत सारे ये आ जाएगा। एडिशनल कंट्रोल पे आता है, इसमें भी नहीं आ रहा है, इसको ओपन करना पड़ेगा एक्सेल को दूसरे मोड से, एडमिन मोड से, तो आएगा, ठीक है? उसमें से आप ला सकते हैं विंडो मीडिया प्लेयर को, ठीक है? यस सर। अब मैंने विंडो मीडिया प्लेयर को लेके ड्रैग कर दिया। उसके बाद मैंने एक लिस्ट बॉक्स को लिया
और लिस्ट बॉक्स को मैंने यहाँ पे ड्रैग कर दिया, और लिस्ट बॉक्स से पहले मैंने यहाँ एक चेक बॉक्स को लिया टेक्स्ट बॉक्स को, और टेक्स्ट बॉक्स मैंने यहाँ डिफाइन किया, और यहाँ पे हम एक बटन को डिफाइन कर रहे हैं जिसका नाम होगा फोल्डर। फोल्डर ठीक है। अब मैं ये यूजर फॉर्म बना रहा हूं इस तरह का कि सबसे पहले मैं इसको इस पे क्लिक करूंगा तो मैं फोल्डर को सिलेक्ट कर पाऊंगा। जिस फोल्डर को सिलेक्ट करूं उस फोल्डर के सारे वीडियो जो है यहाँ इस लिस्ट बॉक्स में आना चाहिए। जिस वीडियो पे मैं क्लिक करके प्ले पे बटन पे क्लिक करूं, यहाँ ये हो गया। अब मैं यहाँ से टुल्लक बटन जो है यहाँ ला रहा हूँ, यहाँ तो प्ले पे क्लिक करूं तो मेरा वीडियो प्ले हो, और पॉज पे वीडियो पॉज। समझ गए? यस सर। चलिए तो कैसे करेंगे आपको बताते हैं। सबसे पहले फोल्डर पे क्लिक करके मुझे ब्राउज बटन लाना है, तो सबसे पहले मैं इसी के ऊपर कोड कर रहा हूं, इसको मैं डिलीट कर देता हूं। तो यहां लिखूंगा मैं एप्लीकेशन, यहाँ बिथ कमांड देना पड़ेगा, बिथ एप्लीकेशन डॉट फाइल डायलॉग। याद होगा ये बताया था मैंने आपको, इसमें MSO फोल्डर पिकर, फोल्डर पिकर ले लिया। उसके बाद यहाँ पे लिखता हूँ डॉट इनिशियलाइज, इनिशियलाइज फाइल नेम। तो यहाँ पे आपको एक डिफॉल्ट फोल्डर का पाथ देना है। सर जहाँ पे ये सर लिस्ट बनती है हम लोग जो टाइप करते हैं वहां पे हरी हरी एक कॉपी भी बनती है, उसका क्या मतलब होता है? लाइब्रेरी? हाँ नहीं, मेथड, मेथड एंड प्रॉपर्टी दो होता है। मेथड, मेथड, ओके सर। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि मैं डॉक्यूमेंट के अंदर जूम में गया, और नहीं जूम में नहीं जाता हूँ मैं, कोई और वीडियो, हाँ इसमें आता हूँ वीडियो वाले में सेक्शन में, इसका पाथ मैं कॉपी कर लेता हूँ। डिफॉल्ट रखूंगा, और यहाँ पे स्लैश कर दिया, ये हमारा हो गया। इसके बाद टाइटल, टाइटल में मैंने यहां दे दिया इक्वल सेलेक्ट फाइल, सेलेक्ट फोल्डर, सॉरी इन्वर्टेड कॉमा में देगा। उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे मी डॉट टेक्स्ट वर्क्स वन डॉट वैल्यू इज इक्वल टू डॉट डॉट सेलेक्टेड आइटम्स, यहाँ पे वन। और फिर यहाँ पे लिख देते हैं एंड विथ। अब इससे क्या होगा, जैसे मैं प्ले करूंगा, प्ले करने के बाद मैं इस पे क्लिक करूंगा, इसमें कुछ गड़बड़ है। अच्छा यहाँ जीरो दे रहा हूँ, अच्छा इसमें डॉट शो नहीं किया ना, फिर इसमें हम सब कुछ किया, एक गड़बड़ हो गया यहाँ पे, यहाँ पे डॉट शो करना होगा। डॉट शो तभी तो दिखेगा बाहर, ठीक है। अब मैं इसमें क्या किया कि हाइपरटेक्स्ट स्कूल वीडियो में गया, वीडियो को फुल सेलेक्ट करके ओके किया, फिर यहाँ से वो नहीं आ गया। हाँ सॉरी, वहां वन देना होगा, ठीक है। इसका पाथ यहाँ आ गया। अब इसका पाथ यहाँ आया तो इस पाथ का पूरा वीडियो यहाँ आना चाहिए। इसके लिए भी हम यहाँ पे पता है आपको क्या करेंगे, तो यहाँ हम करेंगे ऊपर डिफाइन करते हैं वेरिएबल्स को, डिम एफ एन एज ए स्ट्रिंग, और यहाँ पे देंगे हम एफ एन इक्वल टू डी आई आर
dir ब्रैकेट, और इसमें देते हैं हम जहां से उठाना है मी डॉट टेक्स बॉक्स वन डॉट वैल्यू, इसके साथ हम कंबाइन करेंगे स्लैश स्टार्ट डॉट कौन सा फाइल पाथ है हमारा, एवीआई है, नहीं एवीआई नहीं है, एक्सटेंशन चाहिए हमें, डॉट ए वी आई है सॉरी, हाँ यहाँ पे लिखेंगे डॉट ए वी आई और यहाँ पे हो जाएगा हमारा वी वी नॉर्मल, और फिर मी डॉट यहाँ हाँ यहाँ लिखेंगे डू वाइल एफ एन इज नॉट इक्वल टू ब्लैंक एंड मी डॉट लिस्ट बॉक्स वन डॉट एड आइटम इक्वल टू यहाँ दे देते हैं fn, और फिर मैं fn इक्वल टू dir ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज कर दूंगा और यहाँ पे लूप दे दूंगा। तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि हम फोल्डर में गए, हम अपना वीडियो वाले फोल्डर को सिलेक्ट किया एंड ओके किया, तो उसका पाथ यहाँ आ गया, इस पाथ के पूरे वीडियोज का लिस्ट यहाँ आ गया। और मैं जैसे इस पे क्लिक करूँ, क्लिक करने के बाद मैं टुल्लक बटन पे प्ले पे क्लिक करूँ तो यहाँ प्ले हो जाना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ टुल्लक बटन पे क्लिक करते हैं। सबसे पहले इसका नाम इस पे इसका नाम प्ले कर देता हूँ, जाइए और उसके बाद इस पे लिखता हूँ कि इफ मी डॉट टुल्लक बटन वन डॉट वैल्यू इज इक्वल टू ट्रू देन मी डॉट टुल्लक बटन वन डॉट कैप्शन इक्वल टू स्टॉप एंड मी डॉट विंडो मीडिया प्लेयर वन डॉट यू आर एल यू आर एल इक्वल टू यहां पे देते हैं हम मी डॉट टेक्स वर्क्स वन डॉट वैल्यू और इसके साथ हम देते हैं यहां पे एंड मी डॉट लिस्ट बॉक्स वन डॉट वैल्यू, उसके बाद मी डॉट विंडो मिलिया प्लेयर वन इसमें और क्या क्या कैंसिल क्लोज कंट्रोल उसके बाद एल्स यहाँ पे पेस्ट करते हैं और हम यहाँ पे लिखते हैं स्टार्ट 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 या प्ले कर देते हैं प्ले और यहाँ पे इसको हम ब्लैंक कर देते हैं और यहाँ पे करते हैं एंड इफ, ठीक है। तो जैसे हमने इसको फोल्डर पे क्लिक किया और हमने वीडियो में गया और ओके करें, इसको सेलेक्ट किया और प्ले पे क्लिक किया, वीडियो कनेक्टिंग आ गया सर, ठीक है, समझ आ गया सर। अब इसका इस साइज बढ़ जाता है तो इसके साइज के लिए हम मुझे कुछ करना पड़ेगा, फुल स्क्रीन फॉल्स एंड एम्बेड थ्रू कंट्रोल सही है, लेफ्ट राइट सही है, मोड सही है, विजुअल सही है, वही मोड फुल, ये भी कुछ है जो चेंज करने से नहीं होता है, देखना पड़ेगा सर, ठीक है।
समझ में आ गया सर? यस सर, यस सर। तो इसका इस्तेमाल हम करते हैं, और ये प्ले और पुश बटन का यूज जो है हम दूसरे कामों के लिए भी करते हैं सर। तो जिस इसका यूज यही नहीं होता एक्सेल पे नहीं, उसके अलावा भी हम जगहों पे करते हैं। अब कहाँ करते हैं, एक मिनट